देर लगी सर को आने में, शुक्र है फिर भी आए दो। आज मिलन जी हमारे बीच में है, बहुत खुशी का मौका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोगों ने इतना रात का गाड़ी लेट हो गई हमारी। तुम्हारा वेलकम करते हैं स्टेज पे आके। चलो चलते हैं। जब तुम्हारा मार्ग मिलेगा तो तुम्हारे लिए छोटे सारे सारे ताली 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 ताली
बचे तो क्या महीना तो यूज हो जाएगा। दोनों मुझे मेरा भी कर दो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हमारे बीच में सभी केंद्रीय मानव अधिकार की नेशनल फाउंडर चेयरमैन मिलिंद दहिया वाले जी हमारे बीच में मौजूद है। हम दिल से सभी संगठन के सदस्य इनका स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करते हैं और दिल से तहे शुक्रिया अदा करते हैं। और सुबह से हमारे सदस्य सिर्फ इनको देखने के लिए और इनकी आवाज और इनसे कुछ सीखने के लिए यहाँ से इंतजार कर रहे हैं। और ज्यादा समय ना करता हुआ, समय बहुत हो चुका है और इस समय हमारे साथ महिला प्रकोष्ठ भी है और इसलिए मैं ज्यादा समय ना करता हुआ सभी सदस्यों को कहूंगा कि वे अपनी अपनी सीटों पे बैठें और हमारे बीच में नेशनल फाउंडर जो है मिलन जी वो अपना कुछ समय अपने विचार देंगे। संगठन क्यों मजबूत कैसे किया जाता है, संगठन में क्या करना है और वो उसके बारे में हमें एक मार्ग दिखाएंगे हमें। और इसलिए सभी मेंबरों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपनी सीट पर बैठ जाएं ताकि प्रोग्राम को शुरू किया जाए। मैं अपने चेयरमैन साहब फाउंडर मिलन जी को बताना चाहता हूँ इस बार से आज सारे मेंबर हमारे बैठे हुए हैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए और बहुत ही कुछ संगठन के बारे में विचार विमर्श भी यहाँ पर हुआ और बहुत चर्चा हुई और चर्चा के बाद अब आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम और संगठन जो है मजबूती को मजबूत से मजबूत कैसे किया जाए। और मिलन जी अब आप अपने विचार देंगे। मेरे ख्याल से मैं करीब 6 साल के बाद अपनी संबारा शहर में हूँ। जब शुरुआत में पंजाब हरियाणा या हमें दूर रखने की और हमने संगठन स्थापन करने के बाद पूरे भारत का दौरा किया, हर जगह हम लोग गए, जा जाके एक एक इंसान को तराश तराश के इस संस्था का हिस्सा बनाने का हमने काम किया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे लोग बढ़ते गए, कार्य बढ़ता गया और आज अपने संगठन में 3.5 लाख। शुरुआत में दिक्कतें ऐसी गई थी जैसे कोई नाम सुन लेता है केंद्रीय मानवाधिकार ये क्या है, बाद में बोलते हैं इसका कॉलम बोलते हैं जिसका नागपुर में रहता है और फिर ये बोलते थे कि मेरे का भारत से रहता है और फिर बात होती कि मेरे कैसा होगा, मेरा ऑफिस तो उनका नागपुर में है, रजिस्टर ऑफिस उनका दिल्ली में है, ऑपरेट कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, किधर भागते होंगे, कैसा काम होता होगा। अगर हमारे पास 2 पैर 2 पैर 4 पैर 2 ही है, यदि हमारे पास 2 पैर है एक सामने जाता है दूसरा पीछे आता है, दोनों भी संगत है
हेलो, सबको मालूम है भाई एक सामने जाने वाला है एक पीछे आने वाला है, दोनों को तीन बराबर है। तो जिंदगी के सफर के इस तरीके से होता है, जैसे कि मैं अभी दिल्ली से बाई कार इधर आया तो एक गाड़ी को हमने ओवरटेक किया तो हमको किसी और ने ओवरटेक किया, फिर हम किसी और गाड़ी को ओवरटेक करके करके आगे जा रहे हैं, मगर हर बार हमारे सामने कोई नहीं है। अगर हमारे सामने कोई नहीं है तो हम कुछ नहीं देखा। एक हमारी मराठी में बात है, वैराग का घर सबसे सही है, उसको हिंदी में बोला जाता है शत्रु का घर में पड़ोस में होना चाहिए, तभी हम उसे सीख पाएंगे, तभी हमको काम करने का अवसर मिलेगा या हमारी खामियां कहां पर है ये समझने का अवसर मिलेगा। हमें अगर कोई हमारी खामियां नहीं गिना रहा है तो हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं भटक सकता है। इसलिए यह सब लोग जरूरी है। पहले आप पुरानी कथाओं में देखते होंगे राक्षस बन रहे थे, देव बन रहे थे, तो इस तरीके से हमें समाज में भी ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं और इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन है, न्यायपालिका है, सरकार है, सरकार नई नई नीतियां तैयार करती है, नए नए एमेंडमेंट्स आते हैं, नए 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 इम्प्लीमेंट आते हैं, इसको देख के आते हैं, हम लोगों को देख के आते हैं। आज हम सुख और चैन की नींद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे परिसर में, हमारे इलाके में हमारी पुलिस 24 आवर्स काम करती है। आज हम हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर सुरक्षित है इसलिए क्योंकि हमारे देश की रक्षा हमारे सैनिक कर रहे हैं, इसलिए हम आप एक फिक्र होकर इधर बैठे। भारत का संविधान हमको हर चीज की आदत देता है और संविधान के माध्यम से आज हर वर्ग का इंसान अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, उसी तरह उसके कर्तव्य भी होते हैं। अगर जो इंसान अपने कर्तव्य को भूल जाता है अपने अधिकारों को पा नहीं सकता। दो चीजें उठाकर हम लोग एक चिता एक पट्टा था, मराठी में चिटपट बोलते हिंदी में क्या बोलते हैं। तो अगर हमारे कर्तव्य यदि हम भूलते हैं हमारे अधिकारों को हम ले नहीं पाएंगे, तो हमारे कर्तव्य और अधिकार हमारे संतोष होने चाहिए, तब जाके हम समाज में अच्छे लोगों की यूनिटी कर सकते हैं। आज हमारे समाज के अंदर में बहुत से लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, बड़े वर्ग के लोग हैं, अमीर हैं, गरीबी हर है, प्रकार की चीजें हमारे सामने रखी हैं। हम देखते किसकी तरफ हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले कार देखते हैं, टू व्हीलर देखते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, पहले तो हाथी रिक्शा वाले थे, साइकिल रिक्शा वाले आए, ऑटो वाले आए, ओला उबर वाले आ गए, पहले तो आदमी साइकिल से निकलता था, वो टू व्हीलर पे आ गया, आज कार से घूमता है, वो पहले ट्रेन से जनरल से सफर करते थे, फिर स्लीपर में आए, फिर थर्ड एसी में आए, फिर सेकंड एसी में आए, फिर फर्स्ट एसी में आए और फिर बाद में फ्लाइट से भी रन करते। तो हर इंसान में हर बार डेवलपमेंट हो रहा है और है ना डेवलपमेंट, बिना डेवलपमेंट के आदमी ऊंचाई की डगर पर जा ही नहीं सकता। तो ऐसी ऊंचाई में जाने के लिए हमारे घर के लोग भी हमें रोकते हैं, हमारे घर को कौन हमारे घर पड़ोस आते हैं, हम जिनके साथ रोज चाय पीते हो, हम जिसके साथ रोज उठते बैठते हो, हम जिसके साथ अच्छी बातों को शेयर करते हैं, ऐसे बोलते हैं तालाब का रक्षा करने वाला कब तक पैसा रहेगा, कभी ना कभी तो पानी पिएगा, कब तक पैसा रहेगा, तो बस पानी उसके सामने मीठा पानी है और बहुत देर से बैठा है पानी नहीं पीना तो नहीं सकता। वो आग के सामने मुंह कितनी देर रहेगा, मन तो बिगड़ रहे हैं आपके सामने, कितना भी देर आप खड़ा रहे, ये सच्चाई है, ये सिद्धांत है। इसलिए हमें आपस के गौरव को भूलना चाहिए, हमारा यदि कोई भाई आगे बढ़ रहा है तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे हमारे विचार आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज हमारे सिटी का नाम होगा, कस्बे का नाम हो रहा है, गाँव का नाम हो रहा है, शहर का नाम हो रहा है, स्टेट का नाम होगा, देश का नाम होगा, ये लोग होगा जब हम अच्छी सोचों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ, हर स्टेट में जाता हूँ, हर गांव में जाता हूँ कि कैंपेन रखो, आप सेमिनार आप रखो, एक सब लोगों से परिचय हो जाता है व्हाट इज ह्यूमन राइट्स, बात क्या होती है, हम जुड़ के जाते हैं, जैसे कि भेड़ चल रही है उसके पीछे सब चल रहे, वो जा रहा है पता नहीं कौन कहते नहीं जा रहा है पता नहीं, मगर यही जा रहा है कि वो पीछे पीछे चल रहा है, भाई क्यों जा रहा है, क्या कारण है जाने का, ये जरूरी है कि वो जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं, वो क्यों जा रहा है
देश क्या है और इसके पीछे मैं क्यों जा रहा हूँ और इसके पीछे मेरा बेनिफिट क्या है। बेनिफिट के बाद आगे तो सब लोग पैसे की बात करते हैं, मेरा अर्निंग बेनिफिट क्या है। तो अर्निंग बेनिफिट के साथ साथ समाज सेवा भी है, साथ साथ नाम भी है, साथ साथ मेंटेलिटी को वॉश करना है। जैसे हम लोग शूज को पॉलिश मारते हैं वैसे दिमाग को भी पॉलिश मारना पड़ता है। ऐसे कोई मेडिकल में गोली नहीं कि खा लो और जाके दो घंटा वॉश करो तो क्या अच्छा, ऐसा कभी होता नहीं था। ऐसी कोई गोली भी नहीं है कि भैया खा लो और कल के कल विधायक बन जाओ, ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया, ऐसा कोई मंत्र नहीं बनाया, ये बन जाए वो चूहा बन जाए बिल्ली बन जाए या ये आदमी बहुत बड़ा बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा बोलने की बात, हमारा कर्म हमको आगे ले जाता है। हम अगर अच्छे काम करेंगे तो सही मायने में हम अच्छे मूल्य तक जाएंगे। आज हम देखते हैं हमारे देश के अंदर में हर चीज लागू है, पता है सीपीसी वालों में, सीआरपीसी वालों में, आईपीसी वालों में, सब कायदे वालों में फिर भी चोरी होती है, फिर भी चापलूसी से काम होते हैं, फिर भी कोई ना कोई लड़की को दहेज को प्रताड़ित किया जाता है, फिर किसी ना किसी की बहू बेटियों को जलाया जाता है, फिर किसी ना किसी का भाई जाता है, बहन जाती है, मां जाती है। ये कब तक हमको सब मालूम है भैया, अगर ऐसा अगर हम काम करेंगे तो हमको इस तरीके का दंड मिल जाएगा, ऐसी सजा मिल जाएगी। हम दूसरा आवाज खो बैठे हैं, पापा को बैठे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा अंदर का जो गुरु और ईगो है, हाँ मैं हूँ, हमारे कुछ संगठन के कार्यकर्ता भी कहीं जाते हैं किसानों में, मैं केंद्रीय माओवादी का संगठन से स्टेट का ये हूँ, मैं जिले का ये हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो एक डिसिप्लिन होता है कोई भी चीज़ों में काम करने के लिए। हम लोग अगर कोई ऑफिसर्स को मिलने जाते हैं तो सबसे पहले उनको मालूम नहीं कि हम कौन है और हमें मालूम नहीं कि वो कौन है। मेरे काम बहुत जरूरी है ना, अपने पड़ोस में अगर कोई पड़ोसी आया वो अपने को देखता 10 दिन तो हम भी उसके बाद देखते 10 दिन, फिर आप उसके बारे में जानकारी निकाल, वो आपके बारे में जानकारी निकालता। अगर उसे लगता है कि आपसे बात करना चाहिए वो जानने से बात करेगा, अगर आपको लगता है कि उससे बात करना चाहिए वो आपसे बात करेगा, आप दोनों को लगता है तो आप दोनों बात कर सकते हो, फिर आप मेरे घर में डिनर कर सकते हो, साथ में मिलकर घूम सकते हो, अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। कब होगा जब ज्ञान आदान प्रदान होगा, कभी छोड़ा और होता क्या है गलत को मालूम नहीं होता कि फलाना आदमी को एक
अगर आपके पास लेटर आपने भेजा उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास रहेगा, पोस्ट ऑफिस का, बराबर। उसके बाद आपका पेपर है, ये पेपर पब्लिश होता है रोज, ये वीकली है मेरे हाथ में, मगर ये डेली भी पब्लिश होता है। इसको अभी हो गए 12 साल 13 साल। ये न्यूज़पेपर 4 पेज का है, ये पब्लिश होता है। अब यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ स्टेपल होता है सर, और ये पेपर में यहाँ पे स्टिकर लग जाता है, और ये स्टिकर पे जिसका भी हमने नाम लिख दिया उसमें नाचन कहते हैं, कहाँ से, नागपुर से 15 पैसे का। मैं नागपुर से आऊँगा, 4-5 हज़ार खर्चा करूँगा, फिर उनके पास जाऊँगा, फिर 2 रुपये का पेपर दूंगा, ज़रा 4 दिन जाएगा, बराबर पैसे भी जाएंगे, मगर 15 पैसे में स्मार्ट वर्क भी हो रहा है ना, बैठे बैठे आपने क्या किया मुझे सर, ये नाम ये एड्रेस ये पिन कोड, ये नाम ये एड्रेस ये पिन कोड, आदमी बदल जाएगा मगर खुर्ची नहीं बदलेगी, खुर्ची चेहरे बैठने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे मगर चेहरा बदल नहीं है, चेहरा अजीट ही है। तो ऐसे ही आपका कलेक्टर का चेयर है, आपको कलेक्टर अशोक बंसल जी के नाम से नहीं मिला है, या पी आई सत्ता के नाम से नहीं मिला है, आप पुलिस निरीक्षक साहब या माननीय कलेक्टर साहब, ये होगा। तो उसमें तो कोई भी आदमी आके विराजमान होगा और अपना काम करेगा, तो आप उनको भेजो रेगुलरली, उनको डाक से आएगा, फिर हमारे पास आपने लिस्ट भेजा, हमारे पास वो फोटो का भी रजिस्टर हो गया, हम उसमें यहाँ से भेजेंगे। तो आप भेजेंगे तो आप कैटेगरी, कभी कभार हम रोटियाँ बनाते बनाते कविता भी बना लेते हैं, कभी कभार किसी बात करते करते कुछ चीज़ें सूझ जाती है, उतारो। आप भी एक रिपोर्टर हो, आप भी मानव सेवा में लिख सकते हैं, जैसा आपकी बेटी के साथ हो रहा है, आपके पड़ोस की बेटी के साथ हो रहा है, या आपके रिश्ते में किसी के साथ कुछ हादसा हुआ, उसका आवेदन उतारो, आवेदन उतारो, उसके ऊपर लिखो कि आपका मन क्या बन रहा है। अगर इस तरीके का अगर हादसा हो रहा है, भगवान अगर किसी बहुत बेटी के साथ हो या किसी बच्चे के साथ हो, तो ये चीज़ों को आपको उतारना चाहिए और आपको अपना नाम लिखना। ये चीज लिखी है, जब मैं इस चीज का लिखा था तो ये कोई कॉपीपेस्ट का तो है नहीं, आपने बनाया, आपने एक कच्चे कागज पर उतारो, बाद में आप टाइप करके दे दो, जब मोबाइल से ही टूल्स आते हैं तो एक रिकॉर्ड में चले जाओ, आप बोलते जाओ, टाइप होते रहेगा, बराबर। ऐसा कुछ करके एक वर्ड होते हिंदी भाषा में, उसमें आप हमें अगर व्हाट्सअप नंबर अगर आप इसका, या फिर आज हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप के अंदर में जो लोग लिखते हैं तो वो हम उससे कॉपी करके उस उधर दे जाएंगे, हमारे ऑफिस में वो पब्लिश हो जाएगा। तो एक थाने में अगर आपका पेपर गया तो एक पीआई पड़ेगा, एक कांस्टेबल पड़ेगा, या फिर लेडी कांस्टेबल पड़ेंगे, वहाँ आने वाले लोग पड़ेंगे, कोई तो पड़ेगा, क्या है भाई मानव अधिकार, क्या होता है ह्यूमन राइट्स, ये तो पड़ेगा, वो नहीं होगा, अरे फिर पता चलेगा ना, हाँ वो है वो, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपके घर के बाहर छोटा सा प्लेट लगा, जैसे हम लोग नेम प्लेट लगाते ना, जना भाई जना जो भी होगा स्वयं सब मैं मेरा नाम लिखूंगा, तो आप अपना नाम लिखो, आपका संगठन का नाम लिखो, अपने पोस्ट लिखो, बराबर। तो डाकिया अगर आपके घर पे आएगा तो उसको पता चलेगा कि आप कर रहे हो, तो हम कौन है हमें पता ही नहीं, अगर आपकी यूनिटी है 10 लोगों की 12 लोगों की 15 लोगों की टीम है आपकी, तो आप सब लोग मिलकर छोटा छोटा शेयर करके एक बैनर बनाओ, दिवाली की शुभकामना है, नववर्ष की शुभकामना है, क्रिसमस डे की शुभकामना है, हरियाणा का जो स्टेट जिस दिन डिक्लेयर हुआ था वो स्थापना दिन की शुभकामना है, इस तरीके का बोर्ड लगाओ। आपके इधर अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर्ड हो जाता है तो आप पता करो कि भाई ज़्यादा उम्र दराज है तो कब तक उनका पोस्ट पे क्या है, जरूरी नहीं है कि वो रिटायर्ड जल्दी हो जाना चाहिए, आप कर लो उसका जन्मदिन कब है, तो इतना तो कर सकते किसी को मिलने का भैया आपका जन्मदिन कब है, नहीं है तो नाम पूछ लो, फेसबुक से सब मिल जाता है आजकल, आजकल फेसबुक से क्या क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके पास उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपके पास उसका अगर डेट ऑफ बर्थ भी हो गया तो 58 आपको पता चल जाएगा कौन से साल की है, 31 तारीख हो जाती है लास्ट में, तो उस समय 2 दिन पहले आप उनको जाकर परमिशन दे सकते हैं, एक लेटर दे सकते हैं, आप साहब हमारे क्षेत्र के अंदर अच्छा काम किया, आपका कागज और खुल किया रहा और हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से आपकी जगह पर और अधिकारी आए और समाज में इस तरीके से अच्छा काम करें, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से हम आपका सत्कार करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, हम कल 12 बजे आपको मिलने आ जाएंगे, लेटर लिखो उनको जाके दे दो, एक जेरोक्स कॉपी ले लो, उसको उनका पूछ ही, जब वो ऑफिस में नहीं है तो उनके ऑफिस में ले लो, वो ऑफिस में नहीं है तो कोई ना कोई होगा, डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है, डाक विभाग होता है, ऑफिस के अंदर स्टैम्प आप सेकंड ले जाओ, नहीं मिला तो घर पर ले जाओ, घर में मालूम हो जाता है, जहाँ के लिए वहाँ पकड़ लो, वहाँ पर दे दो,
एक उसके मन में भाव होगा कि आज बेटा डरा मैंने अच्छा काम किया पूरे अच्छे ऐसा आपका नाम बनेगा। वो भी दूसरा आदमी है उसको पता चलता नहीं वो आदमी बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे काम करते हैं ऐसा आपका आपका प्रसाद हो सकता है हो सकते ही नहीं मैंने तो देखा है इसलिए मुझे नहीं लगता पता नहीं करते हैं ऐसे प्रसाद आपका हो सकता है। दूसरी बात आपके यहाँ कार्यक्रम होगा ये होगा महिला बनने वाले पुरुष बनने वाले तो हमारी वुमन टीम नेशनल वुमन डिजीज रिसर्च जनवरी से 8-10 तारीख से उसको प्रॉपर उसका राष्ट्रीय महिला दक्षता अभियान अन्य महिलाओं को सामाजिक विकास के जरिए उसको क्योंकि क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का अगर कोई केस मेरे पास आता है तो केंद्रीय मानवाधिकार संघ की तरफ से उसका हैंडल करते हैं। तो केंद्रीय मानवाधिकार संघ की तरफ से हैंडल करते समय में प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि भाई वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो ह्यूमन राइट्स कैसा आता है ह्यूमन राइट्स एक्ट 1996 कुछ और बोलता है ठीक है वो भी मानव है उसका भी उत्पीड़न हो रहा है मानते हैं उसका भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है मगर कभी वर्ड नहीं बैठता ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर दूसरे केसेस में लड़ने जाते हैं तो थोड़ा सा दबाव नहीं हो पाता है इसी हमें नेशनल ह्यूमन रिसोर्स के साथ अब उसमें जितने भी हाईकोर्ट है जज एडवोकेट्स सबसे पहले जिन्होंने अच्छा यूज किया घर में हिंसाचार आपने हमारे संस्था को
गौर सब किया और इस कार्य में इसी तरीके से कार्य हुआ इसलिए आया भी से लोग मौजूद थे। तो जब मैं एक उनके पास भी रहेगा अपने पास भी रहेगा वो भी अपने को लिखते थे तो ऐसे होनी चाहिए जैसा रक्षा बनेगा वही वो आरोपी है कि आपने माँ के पेट से तो तीन घंटे पैदा नहीं होगा जब कोई चिकन घंटे पैदा नहीं होगा तो समाज का वातावरण होता है कि भंग हो जाता है उसको फिर उसको पैदा होता है बन जाता है वो ऐसे क्लियर बन के नहीं आता वो टाइम हो जाता है हर इंसान तो उसका मतलब ये नहीं कोई इंसान नहीं है बिल्कुल भी इंसान है आज जेल में ऐसा मुकर रहा है तो हमारा भी बन जाता है अच्छा बचा का स्नेह प्रोग्राम के साथ हाथ रहा है मिनिमम वेज एनजीओ को अपने घर से मध्य या समझ कुछ हुआ है देखता तो संस्था की तरफ से अगर आप जैसे कि आपको कोई बचत कर देगा या नहीं होगा तो क्या करेंगे या कोई आपको स्किल होगा तो उनको प्रोग्राम से आप हुआ नहीं होगा काम करा देंगे उससे हम उनके साथ कपड़ा झाड़ू लगाना फिनाइल कराना ऐसा कच्चा माल देते हैं उनसे काम करना तो उसका एक रोजगार मिलेगा हमारे साथ जो अनएम्प्लॉयड के लिए जो हाउस वाइफ के लिए छोटा मोटा रोजगार मिल सकता है इस तरीके से वो काम कर सकते हैं। दूसरा मैंने बोला कि अभी बहुत सारी समस्याएं महिलाओं की हैं पुरुषों के लिए जैसे कि हार्ट की समस्या हो रही है जैसे कि ब्लड शुगर है कैंसर से आप सब लोग मिलकर एक कैंप लगा सकते हो कोई भी अगर आप घर से मेरे हॉस्पिटल से जाते हो या डॉक्टर से बातचीत करते हो आपका अगर उससे परिचय हो जाता है तो वो आपके लिए समाज सेवा के लिए दो घंटा तीन घंटा मिल पाता है आपको मिल जाता है रिहायशी इलाका नहीं बड़े बड़े जहाँ पे किसान लोग हैं जो लोगों को सही मान जरूरत है बड़े बड़े बस्ती में रहने वाले लोग तो बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं हॉस्पिटल्स में जाते हैं है ना उनके तो हॉस्पिटल्स होटल जैसे होते हैं आजकल तो ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वहाँ पे पूरी नियमित ट्रीटमेंट्स रहती है ऐसा लगता भी नहीं कि वो हॉस्पिटल होगा रहता है तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाला है बिहारी मजदूर है ऑटो रिक्शा चलाने वाला है किसान है तो उनके लिए हमें नेत्र शिविर लगाना चाहिए हेल्थ कैंप लगाना चाहिए अगर इसमें अगर आपको कुछ फंड की जरूरत है हम लोग खड़े हैं जितना भी फंड चाहिए हम आपको देंगे मगर कब जब हमें ये पता चलेगा भैया ये अच्छी जगह भी यूज़ हो रहा है वो भी फंड मिलेगा आपको संस्था की तरफ से मिलेगा अब मैंने गोवा में प्रोग्राम किया 3.5 लाख रुपये का खर्चा हुआ इतना जोरदार प्रोग्राम किया मैंने एक दिन नाथ गोवा घुमाया लोगों को एक दिन साउथ गोवा घुमाया एक दिन प्रोग्राम था हमारा सबकी बिल्कुल जो लोग वेज खा सकते हैं वेज के अरेंजमेंट जो नॉन वेज खा सकते हैं नॉन वेज के अरेंजमेंट 50-50 लोग बैठने का बड़े बड़े होटल्स के अंदर में जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं ना उसको पढ़ने के हिसाब से खाना खाने के हॉल्स नहीं होते ताकि हमारा आदमी उनके होटल से लोगों में मिक्स ना हो जाए जैसे आपको बैचेस मिले ना तो ऐसे बैचेस हमने देखे भाई हमारा आदमी है बस में जा रहा है तो बैचे तो जा रहा है कहाँ कहाँ पर कार देंगे उनको तो इस तरीके का प्रोग्राम हमने किया अच्छे से लोगों को घुमाया उनका स्वागत किया उनको अवार्ड दिया उनको सम्मानित किया और गोवा घुमाया कल्चर के हिसाब से प्रोग्राम भी किया लोग खुश भी हुए तो हम चाहते हैं कि हरियाणा में ऐसा प्रोग्राम किया तो गोवा में हम जैसे लोगों को लेकर गया तो गोवा देखने के हिसाब से आए अगर हरियाणा के लोग गोवा घूमने के हिसाब से आना चाहते हैं तो फैमिली के साथ आ सकते हो बैचलर्स आ सकते हो ग्रुप के साथ आ सकते हो है ना तो आने के बाद आपकी रहने की खाने की भोजन की हर व्यवस्था वहाँ होती है घूमने की व्यवस्था होती है प्रोग्राम भी हो जाता है तो आप गोवा के लोग भी देख लो बिल्कुल आप गोवा से ठीक है हम यहाँ से हिमाचल जा सकते हैं मनाली जा सकते हैं शिमला जा सकते हैं लेह लद्दाख के बीच की बात हो हम उधर भी प्रोग्राम रखने वाले हैं दिल्ली में अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बुक किया था बड़े ये धुके चल रहे हैं यहाँ पे सोशल का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो हमने तो वो कैंसिल किया ठंडी भी बहुत बढ़ गई है अभी हम नागपुर करना चाहते थे नागपुर में भी असेंबली आ गई वहाँ भी ऐसी ठंडी चीजें हो नहीं पाई गोवा कैसा था क्लाइमेट अच्छा था ना गर्मी ना ठंडी इसलिए हमने वहाँ प्रोग्राम कर दिया अभी हमारा प्रोग्राम गोवा में वापस 28 जनवरी को कोई भी 28 जनवरी प्रोग्राम में सम्मिलित होना चाहता है गोवा घूमना चाहता है बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन करने उसको पहले रजिस्ट्रेशन कैसा होता है कि जैसे कि अगर कोई टूर पैकेज में अगर जाता है तो ठीक है उससे आगे भी हम करवा देते हैं बराबर मगर उससे अच्छी ट्रीटमेंट वो होटल्स वाले मैनेजमेंट वाले क्या दे पाएंगे हमको उससे भी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है अच्छी बसेस हर चीज़ और गाइड भी अच्छे करते पास ये मेरे दिमाग में आइडिया आया मेरे पास कार्यकर्ता लोग खाली पीने बैठे हुए रोजगार में तो मेरे इस माध्यम से रोजगार लोग बस वाले को काम मिल रहा है गाइड को काम मिल रहा है और एक संगठन में जो लेडीज है खाना बना के देती है
युवाओं को मिलते हैं। तो ये पर्यटन और रोजगार के अवसर भरे चलते हैं, प्रोग्राम के माध्यम से लोग नजदीक आते हैं। कोई फंक्शन होना तो ही आता है, अपने भी घर पे शादी का प्रोग्राम होगा, शादी का प्रोग्राम होगा, कोई मौत घटी हुई, तभी लोग आते हैं ना। ऐसे आएंगे क्या? ऐसे नहीं आते। तो ये प्रोग्राम लोगों को इकट्ठा करने के लिए होता है। तो आज ठीक है, आज हम 10 लोग बैठे हैं, 10 में ही प्रोग्राम होगा, 2 लाख होगा, 2 लाख लोगों में ही प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम की कोई परिभाषा नहीं होती और सभागार की कोई परिभाषा नहीं होती। सभागार बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, वक्ता बोलने वाला एक भी रहता है और सब भी रहता है, ये सब होता है। अब मैं भी आपके जैसे स्टेज के ऊपर जाता था तो बहुत डरता था, पैसे का प्रश्न हो जाता था, क्या क्या नहीं, कागज वगैरह क्या है, भुगिया उधर भुगिया उधर, तो सब परेशानी होती थी। युवा में भी लेडीज लोग हैं, उनको बोलना नहीं आता था, मतलब आपको स्टेज बेयरिंग नहीं किया। लेडीज लोग घूंघट में ऐसे रहते थे, शर्मा के आते नहीं थे सामने, खिड़की से घर जाते लोगों को देखते थे, मीटिंग्स को भी अटेंड करते थे। ऐसे ऐसे लेडीज को हमने तैयार किया कि उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। 2 लेडीज हमारे नगर से कोका देवी अच्छा लेडीज का कहता था, तो उनके प्रोग्राम्स होते रहते हैं बढ़िया। हर जगह पे लेडीज को डेवलप करते हैं। छत्तीसगढ़ में वैसे लेडीज लोग सामने नहीं आती थी, बोल नहीं पाती थी, वो स्वागत के लिए स्टेज पे आते थे, बाकी माइक बोल आते ना जाते, उनके गांव में जाना, 2 दिन रुकना, फिर हम खुद माइक खरीद लिए, साउंड खरीद लिए, हमने इकोसिस्टम को पूरा उसके अंदर जनरेट किया हमने, फिर थोड़ा थोड़ा उनको स्पीच देते थे, फिर बोलो घरों बात आईने के सामने बात करते रहो, फोन के ऊपर बात करो, उनको हमने जूम मीटिंग्स के अंदर बात करना सिखाया। ऐसा कर करके आज कुछ ऐसे लेडीज है कि जो स्टेज के ऊपर बात करते हैं, हमें उनको अवसर देता हूँ, अपन ये अवसर देते तो कौन करेगा, अवसर बने चलो। ये हो गया, लोग बोलते हैं कि सर इसमें जुड़ गया, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला चाहिए। तो संगठन चलाने के लिए लोग ही नहीं, बहुत सारी लेबर है, एक दूसरे के था जिसके क्या होता है, मैनेजमेंट संभालने वाला, वो देखने वाला, वो देखने वाला, संगठन का ऑफिस वहाँ पे डिस्कशन कराता है, एक लॉ डिपार्टमेंट को देखता है, एक पुलिस डिपार्टमेंट को देखता है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट को देखता है, ऐसे सब डिपार्टमेंट बढ़े हुए। आपका भी अगर डिपार्टमेंट बढ़ जाए तो ट्रेनिंग बढ़ेगा, अब डिपार्टमेंट इसलिए बढ़ रहा तो ट्रेनिंग कहाँ से बढ़ेगी। हम मुट्ठी भर लोग हैं, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा आगे बढ़े, तो हमको लगता है कि हमारा आगे वो चला जाएगा ना। आप एक बार शर्मा जी को क्रॉस करके लेके जा सकता है, ना धर्मपाल जी को क्रॉस करके ले जा सकता है, मिलिंद देवरी को। जिस दिन हम दुनिया से चले जाएंगे हमारा बराबर, तो कोई पड़ा नहीं है। मैंने भी बोला हम कार से आ रहे थे, हमारे साथ में बहुत बैठे थे, क्योंकि हम सबको ऑडिट नहीं हो सकता, जीवन में असफल है। इसलिए हमें अगर बैर और हमें अगर इच्छा रहे इस तरीके से होता है। कुछ कुछ लोगों का जो टेक्निकल एनालिसिस होता है हमारे ऑफिस से भी होता है, हम लोग फेसबुक के ऊपर उनको चेक करते हैं, जैसे कि बोलते ना खाना खाने के लिए जाते ना तो तीखा भी खाते, मीठा भी खाते, खट्टा भी खाते, टेस्ट होते ना हमारे, वैसे सोशल मीडिया पर टेस्ट होते हैं, कौन क्या क्या डालता है उसके अंदर। हमारे संगठन में कोई एक मेंबर भी बन गया ना, वो उनको लगता है कि मैंने आधार कार्ड देकर हो गया, फोटो दे दिया हो गया, ऐसे नहीं होता। फोटो देने से, आधार कार्ड देने से भी नहीं होता, मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप फोटो नहीं मिलता, एक फिल इसका ये फॉर्म उन्होंने भरना चाहिए, फॉर्म ही नहीं भरना, इसके ऊपर फॉर्म आता ही नहीं। चलो भाई ठीक है, हम कंसाइन कर लेते, एक आदमी की सिग्नेचर ले लेते और चला रहे चला रहे चला रहे। अगर आने वाले समय में उनको दिक्कत है, क्योंकि कल चल के अगर उनका कोई बहुत बड़ा मैटर हो गया, सीरियस मैटर हो गया, तो हमारे पास दस्तावेज नहीं मिलेंगे, हम इसका रिपोर्ट दे नहीं पाएंगे, और सर पे नारियल पड़ेंगे वही हमारे, ले दिया ये ले दिया ये ले दिया ये ले दिया, हम तो जम पाते, हमको पैसा दिया, हमने ये दिया, 11,000 रुपये, 15,000 रुपये, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 पैसे 550 रुपये, वहाँ पे लड़की काम कर रही है, वो एक मंत्री का काम कर रही है, एक ऑपरेटर काम कर रहा है, ये पुलिस का टीम पे जाते हैं, ये जो क्यूआर कोड जनरेट होता है, एक क्यूआर कोड जनरेट करने के 25 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, कभी कभार कभी कभार 1 सेकंड में भी काम हो जाता है, मगर काम तो है ना, वो सब लोगों को काम मिल रहा है ना। भैया आपको 750 रुपये की संगठन बहुत बड़ा हो जाता नहीं है, आती भी कितनी हरियाणा में महीने में 1 आता होगा, नहीं होती है, दिल्ली का आता होगा तो 10 आते होंगे, महाराष्ट्र का आता होगा तो 20 आते होंगे, ऐसे कितना कनेक्शन हो गया, साइकिल नहीं होती है आदमी की, ऑफिस में बहुत सिक्योरिटी गार्ड है, ऑफिस के अंदर में बॉडी पार्ट के सामान दिए गए,
हॉस्पिटल संभालने के लिए रुकती है, क्योंकि हमें उसको आगे मिल सकता है, क्योंकि हमने जो जी आठ गाड़ियाँ बारह बारह पंद्रह पंद्रह बात की अच्छा करना की मदद है, इसलिए हमने जिंदगी में हर चीज़ है बस उसको जानना जरूरी है। हम जानते नहीं हम बहुत खराब हो जाते हैं, अगर कुछ चीज़ अपने को मिल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ रहता है, होता है, चलना ही है। ठीक है, मैंने बताया आपको, आपने इसको समझा, ठीक है, मैंने बताने के बाद आपको तो समझा ही नहीं है, ना आप आगे बढ़ेंगे ना मैं आगे बढ़ूंगा, मैंने ए बोला तो आगे वाला झेड बोल देगा, मैंने ए बोला तो उसने भी ए बोलना चाहिए, तब जाके मैं बी के लिए प्रिपेयर हो जाऊंगा, ऐसा होता ही नहीं है। मैं ए बोला वो आदमी झेड बोलता, मैं बी बोला वो आदमी बी बोल देगा, तो ना वो आगे बढ़ पाता ना मैं आगे बढ़ पाता, ना स्टेट डेवलप होता ना जिला डेवलप होता, हर जगह वही से मुझे क्या करना है भाई, आपको आपसे रजिस्ट्रेशन में मरते रहना तो करते बैठो, ऐसे ही होता है, दोनों का झगड़ा किसने का लाता। अब कितनी सारी संस्थाएं हरियाणा के अंदर काम करती है, बहुत सारी संस्थाएं हरियाणा के अंदर काम कर रही है, एथलीट हमारे संगठन काम कर रहे हैं, मगर उनके पास क्या है, उनके पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास है नॉलेज भी नहीं, नॉलेज था जब कॉलेज करते थे अभी भी है मगर मोबाइल है, मोबाइल बोलेंगे तभी नॉलेज आएगा, बिना मोबाइल से भी हमारे पास नॉलेज आ रहा है। आज मैं आपको हरियाणा आया हूँ, मैं तीन किताबें पढ़ते रहते हैं, अभी यहाँ से जाऊँगा दो तीन किताबें खरीदती रहूँगी, जब तक हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। सोशल मीडिया में तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती है, किताबों में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और जो रूटी रूट की जिंदगी में हम काम करते हैं उससे बहुत सारा अर्थ निकलता है, उसको परोसेंगे हम तो सही बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने आपको उसके बारे में बताया कि आप पुलिस थानों में बाकी जगह पर कैसा काम कर सकते हो, और एक आपको जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट होता है, हर जिले के अंदर विधि सेवा प्राधिकरण होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नाम सा होता है, उसी तरीके से जिले के अंदर आपके जिले में भी होगा, हाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो वहाँ पे सोशल वर्कर को अपॉइंट किया जाता है, यदि भरपाल जी ने हमारे पास आप लोगों में से किसी का नाम दिए तो हम जज साहब को भेजेंगे रहते हैं, आप में से भी कोई आदमी चरण लेगा वॉलेंटियर्स बनेगा वहाँ, उसको हम लोग विधि सही से होते हैं, आपको गवर्नमेंट का कार्ड भी मिलेगा, और जब लोक न्यायालय होता है लोक अदालत होती है तब आप जाकर सोशल वर्कर करके वहाँ आप उसको समझा सकते हो, और उसके माध्यम से वो केस सॉल्व होता है, और आपको भी सीखने का मौका मिलता है, हम तो जा ही नहीं पाते। अभी नागपुर में असेंबली हुआ, चालू ही आज के दिन भी असेंबली हुआ, असेंबली में वहाँ लोग जाते हैं, मेरे पास भी कार्ड पड़े हुए टाइम ही पड़े हुए, तो हमारे जो पाँच लोग दस लोग जो लोग हैं वो असेंबली में जाते हैं कार्ड के साथ जाते हैं, उनको भी असेंबली के कार्ड मिलते हैं, तो क्या करने के लिए जाते हैं वो, तो असेंबली देखने के लिए, वहाँ हेल्थ मिनिस्टर रहता है, वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर रहता है, वहाँ एम एल ए रहते हैं, वहाँ पे एम एल सी रहते हैं, तो संगठन से जो आप काम कर रहे हो, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो काम कर रहे हो, जो आपको अलग अलग जगह पे डेकोरेशन दिए हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे ना, उससे हेल्थ मिनिस्टर आपको वहाँ मिलेगा, बस उससे कॉपी ले लो, उसको कवरिंग दे दो, और उनको एक देखे वो तो मिलना नहीं आपको, उसके पास कहाँ टाइम लेगा, वो एजुकेशन करेंगे आपको मिलते हैं, तो उनके डिस्पैच डिपार्टमेंट होते हैं वही कमेंट जिसका जाना है कैंप लेना वापस अंदर जाना है, मेरी अच्छी बात है, आप क्या काम कर रहे हो, आप उनको बधाई पत्र मांगो देते हैं, आप एक रिस्पेक्ट से की रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपको वापस रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला, तो आप अपन उनको कोई बोलोगे कि सर ऐसा ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं दो, शुभकामनाएं भी देते हैं, तो ऐसे ऐसा आपका काम है। सर मैंने अभी जेल का काम बताया, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम बताया, मैंने अभी आपको इसका बचत के माध्यम से क्या क्या नहीं कर सकते हो, बचत गट के माध्यम से आपको लाखों रुपए की मशीनरी से याद कर सकती है, अगर आपके पास अच्छा ग्रुप होगा, मगर मशीनरी आ गई ग्रुप ही नहीं है, ग्रुप है मगर काम करने वाले लोग नहीं, ये हमेशा होता है, बोलते ना एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसको ताकत के लिए लोग चाहिए, जैसे एक लकड़ी को ही तोड़ेगा, दस लकड़ी तोड़ने को ताकत, बीस लकड़ी तोड़ने को ताकत, संगठन की एकता होती है, संगठन उसी लिए बनाया जाता है, बराबर जिसने के लिए तीन लोग बैठ गए क्या ये हो गया, जरूरी नहीं कि उसको रजिस्ट्रेशन कर देना, यह हमारा संविधान बनता है, अगर आप कुछ सोच रहे हो वहां से आपका संगठन स्टार्ट होगा। अब दो लोगों का संगठन तो ऐसे बना हुआ है, अगर अभी रजिस्टर चाहिए ना अपना संगठन अभी नहीं है, लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको लगता है कि भाई सोने की अंडा देने वाली मुर्गी होती है ना, मुर्गी अंडा देती है, वो किसी को लगता है कि भैया अंडे क्यों लेना, आज मुर्गी काटो जितने अंडे होंगे फिर वापस ले लेंगे, ऐसे ही कर रहे हैं संगठन में काम करते हैं, हमारे साथ सीखते हैं देखते हैं हर चीज़ करते हैं,
फिर हमारा जैसे काम करने का काम करते और हमारे संस्था के जैसे नाम रख के फिर नया कुछ ना कुछ चालू करते। देखो शेर की खाल कर तो भेड़िया जाएगा, एक आवाज में समझ में आएगा ना कि वो शेर की भेड़िया है, और भेड़ के वो तो चाल समझ में आती है ना, शेर की चाल समझ में आती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऑपरेशन नहीं करना, करना चाहिए, कुछ नया डेवलप किस देश के अंदर में हो और अच्छा समाज का मुझे लग सके
उसके लिए मैं ये सब चीजों को बता के आपको समझाना चाहता हूँ ये कहानी के माध्यम से। वहां पर कुछ हुआ हमें उसको कोई परवाह नहीं, मगर एक दिन वो ऐसा संकट हुआ। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को आप लेने का भूलते मत जाइए, छोटी चीज को सीरियसली लेते जाइए ताकि आप समाज में कुछ अच्छा करें। दूसरी कहानी अच्छा लग रहा ना आपको, थका कम हो गया। एक आदमी होता है मेरे जैसे, उसको मरना होता है, मुझे मर जाना है, मुझे काम तो करना ही नहीं है, तो खाली पी पड़ा हूँ घर से, मुझे मरना है। तो घर के लोग मंदिर आता, तुम मंदिर आता, मुझे मरना है, मुझे मरना है। फिर रास्ते में आदमी होता है, कहता है मुझे कहाँ जाना है, तो मर नहीं जाता, मुझे क्या करना है। फिर और आगे जाता है, फिर एक दो लोग मिलते हैं, भाई इधर जा रहा है, मरने जा रहा है, हाँ हाँ मरने जा रहा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ते रहता है, एक व्यक्ति उसको मिलता है और बोलता है कि भाई तू मरने जा रहा है, हाँ मरने जा रहा है, क्या करना है। सही होता तू मरने जा रहा है, हाँ मरने जा रहा है, बोलता है कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, मर जाना चाहिए, जिंदगी का मतलब। तो बोलता है कि हाँ तुझे क्या करना है, जाने से मुझे मरना है। तो बोलता है कि बेटा जाते जाते एक काम करो, नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे इससे कोई देने नहीं होगी, नहीं बोलते तो अच्छी मौत मरना पड़ता है चिंता है। तो ठीक है तो गले में नींद आ गया, एक दिन ही होती है। वो बोलता है कि भाई तू जा, सामने पहाड़ी नीचे गिर के मर जाए, मगर जाते जाते एक बात ध्यान रखना, रास्ते में जो भी तेरे को पत्थर मिलेगा उसको दिल को लगाना, पत्थर को देखना, तो वो देखना पहले निकल जाए और तुरंत गिर जाना मर जाना, क्योंकि तेरा रास्ता आसान है। तो ठीक है भाई मरते मरते किसी के पास तुम लोग मर के जाता, तो क्या करता है भाई घमंडपन अपूपन क्या उसको ये रहता ना अपने वो सारा ये हीरो हीरो रहता। तो वो क्या करता है रिंग को लगाता है पत्थर, देखता भी नहीं फेंक देता है, रिंग को लगाता नहीं देखता भी नहीं, लगाता देखता भी नहीं फेंक देता। उसने क्या बोला था कि भैया पत्थर को देखना, रिंग को लगाना, फिर पत्थर को देखना, फिर पत्थर को फेंकना, आगे बढ़ना, अभी उसको कूदना है नीचे, बस उसकी मौत कगार पे आ गई है। बस घेरने वाला है, वो देखता है कि उसकी गले की रिंग सोने की हो गई, उसी गले की रिंग सोने की हो गई थी। तो फिर उसका एहसास हुआ कि मेरे पास और मेरे गले का जो रिंग था वो सोना हो गया, सोना जिससे बना पारस बने हो गया। इसे आपके बीच में हम जैसे लोग पारस आपके जीवन का सोना बनाने आए, आपको लगता है कि आपका जीवन का सोना होना चाहिए, हम आपके साथ में हैं। जो जो व्यक्ति को कोई प्रकार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना पड़ेगी, आपने गलती के हमसे गलत दूसरा डोनेशन दिया तो भी आपको इनकम टैक्स देना चाहिए। हम इनकम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट देती है बस जो सुविधा है वो सुविधा है। आपको इंश्योरेंस लेके अपने को अपना मेडिकल करना पड़ता है बराबर। हम कोई मंदिर में जाते हैं चढ़ावा देते हैं, क्योंकि मंदिर अभी कुछ देता है नहीं, भगवान हमें सिर्फ आशीर्वाद देता है। मंदिर में जाते हैं फूल खरीदते हैं, फूल वाले का घर चलता है, चादर लेते हैं तो चादर वाले का घर चलता है ना, अगरबत्ती लेते तो अगरबत्ती वाले का पेड़ पानी चलता है। तो हम वापस बोलते हैं अगरबत्ती लेने मुझे मेरी अगरबत्ती वापस कर दी, ऐसे मैंने आपको 1500 की लेने 1500 वापस कर दी। उसमें लिखा है जिससे माफ नहीं पड़ने लगते और ये आपके चैरिटी वर्क में लगाते हैं पैसे। और ऐसा नहीं कि हर चीज़ का अपने पास हिसाब होता है, हर चीज़ का। बहुत लोग मुझे बोलते हैं तुम्हारा समय ऐसा है वैसा है, तुम ये हो तुम वो हो, तुम गलत काम करते हो, तुम पैसे कमाने का धंधा बनाया हो, ये हो। लोग तो बोलेंगे भाई उनके पास तो मुँह है, बोलेंगे मुँह तो सबके पास है, मेरे पास भी मुँह है, मैं ही बोलता हूँ। ये अपने संगठन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपके पीछे भी सर्टिफिकेट है। और ये डीट के अंदर में सब दिया है कि हम क्या करेंगे, हमारे नियम हमारे कानून बने हुए हैं, मैं वही बताता हूँ सबको, सुनता है मैं। अब इस कानून के अंदर में लिखा हुआ है कि हम हॉस्टल खोलना चाहते हैं, हम कॉलेज खोलना चाहते हैं, हम स्कूल खोलना चाहते हैं, हम आंदोलन देना चाहते हैं, हम समाज के अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, हम आपको हर चीज़ देना चाहते हैं, फंड देना चाहते हैं, हर चीज़ इसमें लिखी है, यही हम आपको। और इसके अधिक सरकार ने इसके बारे में कर दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया हुआ पैन कार्ड है, इसका फोटो कॉपी मेरे पास, वो ले कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट का सील रजिस्ट्रार है, सील सिग्नेचर का रजिस्ट्री का है। ये हमारा 2022-2023 का इनकम टैक्स रिटर्न है,
उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम है और ये मैंने नहीं बनाया, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो थे वो बनाए थे, ये ऑडिटिंग बोर्ड से था, ये 22-23 का आपको दिखाया। ऐसे जब से संस्था रजिस्टर्ड हुई है तब से पूरे रिकॉर्ड 21-22 सब हमारे पास है। आपका आपने जो अखबार देखा था अभी, तो ये अखबार का आगे गवर्नमेंट करती है, तो जो तक काम करता है जो भी गलती होती है वो लीगल छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं, ये होता है। आप किसी को कमिट मत, मैं तो कमिट नहीं करता किसी को, मेरे पास कोई आया तो मैं नहीं करता, करता हूँ। अगर आपने उसको मुझे है मेरे पास माता मैं काम नहीं कर सकता तो वो नहीं होगा। हाँ ठीक है, अपने वाणी अगर अच्छी रही, अपने शब्द अगर अच्छे रहे, क्योंकि अपने इस मुँह से अजान होती है, इस मुँह से आरती होती है, इस मुँह से दुआएं दी जाती है, उसमें से लोग गाली भी देते हैं, उसमें से लोग दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, उसमें से अच्छे शब्द अगर हम निकालते हैं तो दे भी सकते हैं। क्या ये बोलते हैं, हाँ मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। मैं आपने मना किया क्या उसको? नहीं, आपने उसको बोला क्या पता? कभी कभार होता क्या है, हमारे पास कुछ शिकायत लेके आते हैं और हम उसको सुनते ही अपने इस लगा देते हैं, अगर देखो पीड़ा है सुनते हो पहले उसके बाद आपका काम है पहला, अगर हम जीवन में एक्सपीरियंस है पहले पूरी बात सुनिए वो क्या बोलना चाहता है। फोन पे भी क्या होता है कि हम फोन लगा दे वो क्या बोल रहा है उसको हम चालू कर देते हैं। कभी भी अगर हम जीवन में एक्टिवेट से हम अच्छे समाज सेवक है, हाँ ठीक है, अच्छा लोग आजकल मोबाइल रिकॉर्ड करते हैं, मेरे भी फोन में रिकॉर्ड करते, लोग करते करते गवर्नमेंट भी रिकॉर्ड करने लगे, सब लोग रिकॉर्ड करते, ठीक है। तो भैया क्यों फिर हमारा भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है, बात कर लेंगे, ठीक है लेटर भेज दो, ज़्यादा बात करें लेटर भेज दो, मैं पढ़ के बताता हूँ। ऐसे भी कारण होते हैं, अब अच्छा काम करोगे ना तो आपके पीछे भी लोग लगेंगे, आपको विरोधक बनेंगे, आपको लोग फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे बचने के लिए छोटे मोटे टूल्स हैं, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने ये हासिल किया तो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते। भगवान ने सबको बनाया पैदा किया तो सबके दिमाग के अंदर उतना ही मेमोरी थी, जैसे कि मेरे धर्मपाल जी के दिमाग में 800 ग्राम है, मेरे दिमाग में 200 ग्राम है, मेरे दिमाग में 1200 ग्राम है, सबका दिमाग और माइंड का वजन उतना ही है, बस हम इंप्लीमेंट और हमारा जो टीम है सिक्स सेंस है वो थोड़े थोड़े जागरूक होते हैं, किसी की ज्यादा होते हैं किसी की कम होते हैं, कुछ ज्यादा सोचता है कम सोचता, कुछ सोचता ही नहीं, वो सारी चीजें होती है। अगर आपको सक्सेस होना है, व्हाट इज अ सक्सेस, हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं? मैं ऐसे लगा कि कुछ करना चाहिए करना चाहिए, तो मैं यहाँ पैदा हुआ जो छोटा हुआ जो रोज महिलाओं के साथ खड़े होते रोज ब्लड से भरे हुए होते हैं और हॉस्पिटल में तो लेडीज जाने से घर में डिलीवरी होती है, आवाज चिल्लाना रोना बचपन से हम सब चीज देखते आ रहे हैं, पक्के मकान में सब कच्चा जिहाड़ी मजदूरी लोगों की पीड़ा और तस्ती हमने देखा कि कुछ करना चाहिए करना चाहिए। मैं तो मैं छोटा सा लड़का हूँ मैं क्या करूँ, धीरे धीरे कॉलेज तक बोले कि नहीं लोग भी कुछ करेंगे, बस्ती वालों भी कुछ करेंगे, ऐसा करते करते कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम भी बहुत गरीब परिस्थिति से हो गए, हम अपना पढ़ाई देखेंगे अपना घर देखेंगे हमारा आगे का लाइफ देखेंगे, क्योंकि लोगों के बीच बीच में जाते थे हम, कभी खून हमारे हाथ में आता था कभी कुछ क्लेम हमारे होते थे, कभी लोगों के बीच में जाते समय कुछ चाहते हम लोग गाली दूसरे को देते थे कहीं हमको भी आ जाते थे, ऐसे करते करते एक बार आप
अपने अगर समझ लो कोई चीज को अपमान सहन करने की ताकत नहीं है, सम्मान के मुख्य भी नहीं है, वो सब लोग बोलते अगर सम्मान होना चाहिए, मान लो तुमको गलत नहीं बोलना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, अगर अपमान करेगा तो मैं ऐसा करूँ, अपमान अगर हो रहा है सम्मान अपमान सहन करने की ताकत भी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। हम करते गए और मैंने शुरू किया एक साप्ताहिक समाचार केंद्रीय मान बस ये हमारा काम है, कुछ करना चाहिए महिला उत्पीड़नचार तो बाल से लिखने पर मैंने लिखना शुरू किया। लोग बोले कि साप्ताहिक अखबार देखने के लिए अलग है, फिर हमें दैनिक पाया डेली भी चलता है और वीकली भी चलता है। अब ऐसे करते करते दो चार लोग पत्रकार बने, नेता भी मेरे समय 2012 में, तो फिर दो चार फिर ये मुक्त पत्र नहीं था, मुक्त पत्र समूह मतलब क्या करेंगे इतने सारे लोग इस पेपर में जुड़ रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए, फिर हमने संगठन को रजिस्टर किया, फिर हमने दिल्ली के एनसीपी में जाके रजिस्ट्रेशन करवाया, क्राइम करप्शन इस सब नामों में जाकर ऐसे नामों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, पहले मिले जिसको मिला था हमको मिला, हम हमारा सब रिकॉर्ड विकॉर्ड सब ऑर्डर सब कुछ मिला, फिर भी लोग मेरा संगठन था जब हम निस्वार्थ भाव से लोगों की रक्षा के काम कर रहे थे तो हमको भी पीड़ा होता है क्योंकि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमको लोग दबा रहे हैं और हमारे लोग दबा रहे हैं, हमारे हमारे साथ काम करेंगे, हमारे साथ बात करेंगे, एक आधा स्टेज पे अगर उनका अगर स्टेज पर बिठा दिया तो बार बार वही स्टेज पर बैठेंगे, अरे भाई मैं आपको चाहता हूँ नहीं मुझे नहीं बिठा तो मैं नहीं आऊँगा, मेरा पत्रिका में नाम नहीं है नहीं आऊँगा, ऐसे नहीं होता घर पर युवा में पैसा होता है वहाँ पे क्या होता है वो सब लोग सब मुझे बताया नहीं करते नहीं मेरा नाम नहीं था करते नहीं इन्विटेशन नहीं मिला करता मुझे अपनी शायद शादी वाले को बोला कहीं समाज ही करेंगे अभी यहाँ पे वो लोग मालूम हो रहा होगा दिल्ली में आया है नागपुर से आया हुआ है यहाँ पे दिल्ली मीटिंग काफ़ी है उत्तर प्रदेश से कितने मैसेज भी जाने उधर को नहीं बताया मुझे नहीं समझ बताया उनको फोन किया तो नहीं आने लगा था मगर मेरा सोशल सामाजिक प्रोग्राम है तो अगर छोटा सा किसी ने भी अगर पोस्ट किया होगा कि आज दिल्ली में आने आना चाहिए मैं भी गलत इंसान हूँ मैं जब मेरे बीवी बच्चा घर परिवार छोड़ के आया हो यहाँ इसलिए आया आप लोग मेरा परिवार है आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ ये मेरा परिवार है मैं मेरे घर पे कम आप लोगों में ज़्यादा रहता हूँ आज हरियाणा में कल दिल्ली में परसों उधर हूँ परसों उधर हूँ मैं भी ये मेरा परिवार है इसके आज ना बड़ा दुख होता है धक्का फोन आता है मोबाइल पे कि सर एक एक्सीडेंट हुआ है और उसका पर्सनल कार्ड और उसका नाम ये आईडी नंबर क्या है और वो उसके घर पे बता दें तो जो बताता था उनको बड़ा दुख होता है गलत हुआ मेरा एक आदमी बड़ी मुश्किल से मैंने या वो भी गुजर गया तो हम अभी जनवरी माह से सभी मेंबर लोगों का एक बीमा होगा जिसको हम लोग GIS हेल्थ इंश्योरेंस आपको बयान की जरूरत नहीं है आप जब हमारा फॉर्म भरोगे आप किसी के साथ दूसरे फॉर्म अटैच करके देंगे सिर्फ इसको एक सिग्नेचर देना हर साल आपका कार्ड रिन्यूअल होता है वो भी रिन्यूअल होता है ज़्यादा समय शोट नहीं था एक लाख तो मिलेंगे साढ़े पाँच सौ का रिन्यूअल कर लेते हैं 15 साल की मेम्बरशिप मिली थी उसमें कितना देना चाहिए कोई 5,000 रुपये देता है कोई 5,500 देता है 12,000 देता है 15,000 देता है 25,000 देता है तो 1,00,000 देता है तो ये डोनेशन रिजनेबल पे चलाने का डोनेशन तो लगता ही ना। अब मैं भी मेरे जेब से पैसा खर्चा करता हूँ मैंने भी दो कार्ड बेचे यानी कि चेन बेची कई बार अंगूठियाँ बेच देती हूँ तो होता है ना अभी कोई प्रोग्राम लॉस भी जाता है कोई प्रोग्राम नहीं जाता है कभी कभार महीना महीना पर किसी का पेमेंट नहीं आता तो किसी के स्टाफ का पगार दे नहीं सकता आज स्टाफ का पगार भी मेरे 2,00,000-1,50,000 रुपये तक सैलरी निकलती बच्चों की सब मेंटेन करना पड़ता है ना पेपर का खर्चा रोज पेपर सफाई करनी पड़ती है दिल्ली अखबार है सफाई करता है तो ये कहाँ से मेंटेन होगा ये अब इन लोगों में से होता है तो अगर हम काम कर रहे हैं तो अगर 1,000 रुपये भी अगर हम अगर महीना देना चाहते हैं संस्था को तो संस्था आपका हर महीने में 4-5 आदमी चुकाएंगे हर महीने में आपके पीछे लगे लगे रहेंगे आपके पीछे कौन रहेगा हमारा एक एग्जीक्यूटिव तो आपसे बात करेगा
हर महीने आपके आर्टिकल्स आपके घर में पेपर आएंगे, आपको गट्ठा भी आएगा और हर महीना आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। अगर आप 1000 रुपये संस्था को महीना देते हो तो एज अ चैरिटी फंड उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, हर माह आपने 1000 रुपये चैरिटी चंदा दिया है, बराबर ये पैसा आपका दिया गया लोगों के कल्याण के लगाया जाएगा, मजदूरों के डेवलपमेंट के लगाया जाएगा, ये पैसा संगठन के अधिक कामों के लिए लगाया जाएगा और जो काम होगा उसके आपको फोटो भी आएंगे, फोटो आएंगे, काम होगा, हर चीज़ आपको रिव्यू करेंगे। तो गोवा में अभी सब लोगों ने बोला कि सर हम 1000 रुपये महीना देंगे, अगर 25,000 महीना कमाते हैं, 40,000 महीना कमाते हैं, 1000 महीना संतर हो गया। कोई बोलती लेडी सर बोले मैं 100 रुपये महीना देता हूँ, अच्छी बात है ना, दो ना, क्या दिक्कत है, अरे सर क्यू आर कोड मिलेगा, हाँ आप अभी क्यू आर कोड मिले। तो आज जो है कार्यक्रम को 10 दिसंबर और आज की तारीख है 35,000 कलेक्शन आया, 35,000 कलेक्शन आ गया। हम लोग कैलेंडर्स की देखती है, एक कैलेंडर भी बना है पैसे का, जिन जिन लोगों को पैसे दिए उन सबको फोटो डालने के बाद सबों को दिए उनका भी डाला, मैंने 5,000 की उनका भी डाला, मैंने 25,000 की 15,000 की उनका भी ऐसा करके 25,000 का उस फंड है सबके फोटो और सबके कैलेंडर बन के 100-100 कैलेंडर 50-50 कैलेंडर का ऐसा गट्ठा बना के और पूरे में। तो ये चीजें होती है, 1,00,000 रुपये के लिए अगर 1 रुपया काम होगा तो कितना बड़ा ध्यान नहीं होगा उनकी दुकान आंदर, तो ये सीधे नहीं कर सकता कि वो 1,00,000 रुपया 1 रुपया काम होगा। वैज्ञानिक और साइंटिफिक रीजन है कि वो 1,00,000 रुपया नहीं है, इसीलिए अगर हम काम करते हैं हमारे समाज के लिए हमारे परिवार के लिए तो हमें सजग रहना बहुत जरूरी है, हमें फाइनेंशियली डेवलप रहना बहुत जरूरी है। हमारा आदमी नहीं है तो उसको हमको बनाना है फाइनेंशियल डेवलपर, आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है हम बात करेंगे, तो वक्त आया तो मैं नाथू से मैनेजर से बात करती जाऊँगा, क्या नहीं होता चिंदी का साफ बनता है रुई का पाना जाने से बनाने वाला से हर चीज होती है। साइंस भी इतना बढ़ चुका है कि क्या क्या नहीं बना पाएंगे, इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया आपने अगर छोटी मोटी भी कराए तो आप उसको उभारने के लिए बाहर आओ, आपका अगर किसी ने मनोबल गिराया तो आप अपना मनोबल को आप संगठन में दान देके डोनेशन देके आप स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, 4 दिन के बाद आपको फोन आएगा हमारे ऑफिस से, आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक लेटर आएगा और एक सर्टिफिकेट आपको डाक से मिल जाएगा। ये सब होता है, आपके पास मोबाइल है आप वीडियो शूट करो, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो, वही जो आपका वीडियो भी लगाएंगे हमारे चैनल पर, हमारे भी चैनल भी है, अभी लोही नाम से एक रेडियो शो चालू हो रहा है, आपको भी लोही में तो जो 80 साल का इंसान है उसको नींद नहीं आएगा अगर उसने अगर पुराना गाना सुन लिया जो बात सब आती है उसके लोरी लोरी हमने सोचा यार ये लोरी लुप्त हो रही है, अभी की जो मम्मी आ रही है वो हैंगिंग बच्चे लेके जा रही है, क्या बोलते हो अब माँ का तो पल्लू है नहीं, साड़ी वाली मम्मियाँ तो हमारी पहले थी, अब सब जींस पैंट टी शर्ट पे आ गई मम्मियाँ, तो बच्चे हैंगिंग में पूरा हैंग करके लिए सब बैग रहता ना बैग में बच्चे रहते सब रह गया, तो वो लोरी भी भूल रहे लोग, हम चाहते हैं कि वापस जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं तो अच्छे गाने बोल सकते हैं जिससे किसी को नींद आ जाए उसको हमने लोरी का नाम दिया। ये लोरी स्टेट में चालू कर रहे अभी दो स्टेट पर कुछ आ गया, अगर हमें हरियाणा के लिए सपोर्ट किया तो जरूर होगा लोरी स्टार्ट करेंगे, मेरे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन समाज में अच्छा रहेगा और ये स्टेशन चलाने में ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले बहुत कम, मैं आपको पता है कि दूर में लोग 25,000 पैकेट में घूमते हैं जिससे आगे देते हैं, बराबर आपके चैनल में आप अगर हमारा चैनल में कुछ न्यूज़ देते हो उससे कोई आपको पैसा नहीं लेना, आप एडवर्टाइजमेंट देते हो या लेते भी हो किसी किसी से जो लिए एडवर्टाइजमेंट लिए वो पैसा आपको मिला सकता, मगर प्रमाण संस्था को ऐड करो पैसा दो, 4 ऐड करो तो ऐड आप अपने पास में एडवर्टाइजमेंट की बात करो, आप मेंबर संगठन में जोड़ते हो तो आपने अगर समझ लो हमको 50-30 मेंबर जोड़ के दिया तो संगठन भी आपको उसके बीच में इंक्रीमेंट देंगे, जैसे कि हम लोग कुछ लोगों को वर्कर्स भी दिलवाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है 22 तारीख को, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं अभी ब्रह्म कुमारी से आ रहे हम लोग 25 तारीख डिनर हुआ ब्रह्म कुमारी जो है बाकी महीने से
आप जैसे लोगों में से कोई एक अगर आता है तो उनको भी लेके जा सकते हैं। अभी 28 फरवरी बाल गंगाधर का नाम सुना है आपने गूगल पर, बाल गंगाधर का नाम करेंगे तो वहाँ का प्रोग्राम है। अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप आइए, तो वहाँ से सम्मान करेंगे। 28 जनवरी गोवा में, 28 फरवरी पुणे में, 22 जनवरी चेन्नई में प्रोग्राम है। कंटिन्यू प्रोग्राम करेंगे। आप एक्टिव हो, उनसे रोज बात करते हो तो हम ऑटोमेटिकली रोज का अटेंड आपको कॉल करते हैं। हम बात ही नहीं करते, बस साल हो गया सर मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया, सब नहीं करा रहे। ये चीज होती है तो हम कुछ लोगों के कार्ड हो भी नहीं आते, कुछ बना के मिल भी नहीं। वो बोलते हैं यार मैं तो सोच रहा था कि कार्ड रिन्यू में करा दूँ तो आ भी गया, मतलब फिर भी कुछ रिन्यू में चैलेंज नहीं मिलते। ऐसी भी चीज़ें हैं, चलता है। और कुछ लोग बोले कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम माइक नहीं खरीद सकते। अब माइक तो महंगे महंगे 4,500-11,000 जैसे सब क्वालिटी, जैसे सब माइक आवाज़, जैसा कि मैं ये बात कर रहा हूँ जिसका साउंड अच्छा है तो इसके पैसे ज़्यादा होंगे, साउंड की पैसे अच्छी मिली है ना। दूसरा सस्ता साउंड लेंगे तो उसका क्वालिटी अलग रहेगा, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग कॉस्ट होती है ना, बराबर। तो जो एक्टर्स होता है, जो एकदम टॉप लेवल एक्टर है वो पैसे देता है, छोटा लेवल का एक्टर छोटे पैसे देता है, ऐसी हर चीज़ का ये होता है। तो हम माइक भी आपको देंगे, इसका फंड नहीं है तो भी हम देंगे, ऐसा नहीं दे देंगे। आपने बोलना चाहिए कि सर मैं इतना दूंगा, कमिटमेंट आपका पूर्तता हम करेंगे। आप कमिटमेंट ही नहीं देंगे तो पूर्तता हम कहाँ से करेंगे। आपको एम्बुलेंस चाहिए, आप 40 लोगों की लिस्ट तैयार करो, एक 18 लाख का गाड़ी है, 12 लाख का गाड़ी है, 2 गाड़ियाँ हमारे पास टाटा की बड़ी गाड़ी है, विंगर 1 फोर्स है। वो गाड़ी अगर आपको 40 लोगों की सेवा में लगाना है तो सेवा में लगाओ, नहीं लगे तो लगाना है तो वो कंपनी की गाड़ी लगती है, कंपनी में लगाओ। वो कंपनी भी लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जो रस्ते के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए वो, क्योंकि हम गाड़ी को पाल नहीं सकते ना, इसलिए हम गाड़ी खरीद ली है। हमारे घर को पड़ी रहती गाड़ी, हम क्या करते हैं वो कंपनी को देते हैं, ओला को चलाने को देते हैं, वो हम देते किसी को, किसी को चलाने देते हैं। ये गाड़ी हॉस्पिटल की कंपनी होती है उसको तो हम लोग देते हैं, तो वो अच्छा रिटर्न भी उनको देती है, जो समाज सेवा भी होगी उनको फंड भी आ रहा ना। संगठन बोलता है कि भाई उसमें से 20% दान दे, 1 लाख मिल रहा ना तुझे महीने का, 20% दान दे, 20,000 रुपये 80,000 तक कमा रहा हूँ गाड़ी की से। तो अभी उसके लिए 28,000 का बुकिंग अमाउंट था और 3 लाख रुपये उसका ट्रांजेक्शन अमाउंट था और उसमें सबसे भी थी 3 लाख रुपये, बराबर। 28,000 का बुकिंग अमाउंट दिया, 3 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ, 3 लाख की सबसे भी है, कितने के 88,000 और गाड़ी कितनी की मिली, 12 लाख, 18 लाख। और गाड़ी उनके हाथ में भी नहीं है, वो तो सिर्फ केयर टेकर है, हमने अपॉइंटमेंट की होगी गाड़ी केंद्रीय महानिका संघ का, 3 साल के बाद गाड़ी वो डिप्लीट में उनके, और वो गाड़ी उनको समाज सेवा में चला सकते हैं, बेच नहीं सकते। तो इस तरीके के उपक्रम है, इस तरह दो चार ही उपक्रम दिलाया, ऐसा अनगिनत उपक्रम हमारे पास है, अनगिनत लोग हैं। कुछ लोग मेरे पास, एक आदमी तो बता रहे जिसका मैं CCTV में देख रहा था मेरा ऑफिस का, तो बंदा साइकिल से आया, ये जमा तो साइकिल से आया कैसे, ऊपर आया कौन से गाँव से आया, साइकिल से कैसे आया। नहीं बोले, मैं हर साल बस स्टैंड पर आता हूँ, वहाँ पर एक दुकानदार है, 30 सालों से उसी की दुकान में साइकिल लेता हूँ, मेरा पिताजी लेता था अब मैं लेता हूँ, मेरे पिताजी रोज साइकिल लेती थी वहाँ से किराए से, अब मैं भी लेता हूँ साइकिल से, घूमता हूँ मुझे अच्छा भी लगता है, अब जाता हूँ फिर वापस साइकिल बस स्टैंड पर लेता हूँ, निकल जाता हूँ। मैंने उसमें फॉर्म दिया, मैंने कि सर मेरे को मेम्बर बनना, मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना था, पहले मैं स्टेट की बात किया तो बोलते नहीं सर मेरे को स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का दो, मैं डिस्ट्रिक्ट का देता हूँ, नहीं सर डिस्ट्रिक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट मेम्बर बना, ठीक है उसको मेम्बर ना, फिर क्या चाहिए बोला सर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आई कार्ड होगा, आई कार्ड तुरंत नहीं है, अपॉइंटमेंट कार्ड है वो दे सकता हूँ, फोटो होगा तो बता कैसे से काट दूंगा, चिपका के स्विच मोड साइन करा के तुरंत अभी दे देगा, अगर 1 महीने का डाक से नया कार्ड आएगा, 1 महीने का ही कार्ड मिलेगा अपॉइंटमेंट कार्ड, ठीक है सब दे दो, उसको अपॉइंटमेंट कार्ड दिया, वो कार्ड लगा लगा के वो लोगों को मिलते गए, ऐसा ऐसा है मामा दिखा क्या है सब बता दे गए, तो लोगों ने उसको कोई विश्वास नहीं किया, उसका कार्ड हाथ से लिखा हुआ था, कागज का बना हुआ था। फिर उसको मैंने लेस एक्टिवेट होल्डर के साथ उसका आईडी कार्ड, उसके QR कोड, होलोग्राम सब लगा हुआ, उसके डाक से गया था, तो डाकिया पहले उसके घर पर गया था, डाकिया में बताया हीरो पैसों के लेटेस्ट घर पर आया, तो उसने रिसीव किया, उसकी डिटेल में उसकी बिल्डिंग को फोन किया कि ऐसा ऐसा कुछ कार्ड आया हुआ है घर पर, वो गया देखा, तो उसने लोकल लेवल के पत्रकार को इकट्ठा किया, न्यूज़ बनाया,
पैसे का बड़ा बड़ा मेंबरशिप लिए जाने को बाकी सकते हैं, फिर लोग उसके पास आए तो ये बोलते हैं कि सर हम तो आपके पास आए थे, बोलते तो नहीं अब मैं आया थे बट अब मुझे भी मेंबर बनना है। फिर उसने फोन किया कि सर मेरे पास इतने इतने मेंबरशिप के फॉर्म आए हैं अब मैं क्या करूँ। मैंने बोला कि ठीक है फिर फॉर्म इकट्ठा कर, सर मुझे फंड भी आया हुआ है पैसा भी आया हुआ है तो सब लोग रसीद मांग रहे हैं मैं क्या करूँ। अरे ठीक है दो दिन रुका, दो दिन में मैंने उसे कुरियर से रसीद बुक दे दी, उसने प्रॉपर तरीके से सबको रसीद फाड़ के दिया, सबसे कैश इकट्ठा किया, ऑफिस आया, ऑफिस आया और बोलता है कि सर ये इतना हो 1500 रुपये मेकर से देने वाला इंसान 1.5 लाख रुपये कैश लेके आया है ऑफिस में, मैं तो बोले बता कि सर 1.5 लाख रुपये कैश फोन पे नहीं बोलते आने का सब इतना भी लेता है डाला अपने सब सुन लेना उसको मालूम लेता है देहात के आदमी तो मुझसे बात करके आया पर डर मत आराम से बैठ शांति से बैठ जो रसीद बुक निकाला मैं ऑफिस के स्टाफ ने रसीद बुक फंड किया उसके बाद उसने पैसे दिए उसको फंड किया उसको बोला कि रुक जा बोलता ही कार्ड लेके जाना है साहब सबको मालूम है आप 15 दिन 20 दिन मैं 2 दिन यही रुकूंगा आप मेरे निवास की व्यवस्था करा दो मेरे 2 दिन का खाना का बंद करा दो मैं आऊँगा अरे ठीक है ऑफिस के ड्राइवर को बुलाया उसको गाड़ी मिले दो जाके वो ऑर्डर लूँगा और खाने वाने का उसका प्रबंध करा 2 दिन का फिर मुझे नागपुर घूमना है तो फिर उसको मैंने मेरी गाड़ी से ड्राइवर मेरा ज़्यादा घूमना है ड्राइवर ने फिर नागपुर घुमाया और फिर 2 दिन का मुझे कार्ड आ गया उससे बड़ा खुश रहा बोलते कि साहब मुझे रजिस्टर चाहिए उसका रजिस्टर हो गया जैसे सबके नाम लिखे सबके कार्ड नंबर लिखे आई नंबर लिखे और वो कार्ड के साथ वो बुक्स भी ले गए और सबके घर पर गया साइन लिया उसको आई कार्ड गले में डाल के दिया सर्टिफिकेट दिया अपॉइंटमेंट लेटर दिया वो वचन चिट्ठी होती है वो बनाया उसने मैं संस्था का कार्ड डर गलत उपयोग नहीं करूँगा मानवता की सेवा का काम करूँगा सब रिकॉर्ड किया उसने सबको भेजता है और सबको कार्ड दिया उसने। अब कार्ड देने के बाद में अभी कम से कम 100 नंबर रुपये थे वो अब वो जिस जिसके घर में गया उसका भी एक आदमी फ्रेंड में भी जुड़ना है दूसरा आदमी मेरे को जुड़ना है ठीक है भैया सबके प्रोसेस वही है देखो 450 लोग हो गए वहाँ 450 लोग हो गए पापा दूसरी बड़ी गई फिर उसको स्टेट का काम मिला बड़ा काम हो गया उसका आज वो कार से आता है मेरे पास ऐसी गाड़ी कार से आता है कि मैंने भी नहीं पता कि मैंने भी कभी सोचा ऑडी से आता है मेरे ऑफिस का अभी उसको मैंने एक लोन दिला के दिया आज 35 लाख का लोन मिला उसको बड़ा इंटरेस्ट चालू किया उसको छोटा सा व्यक्ति ऐसे सर स्मॉल सी बिजनेस उसके काम मैंने दिया था उसको सर्वे करने वो शुरू किया उसने आज अच्छी जैसी है अभी नगर पालिका इलेक्शन की चुनती भी आ गया ग्राम पंचायत इलेक्शन सर नगर पंचायत की चुनती भी आ गया अभी आने वाले समय में MPA में लेने की बात कर रहा हूँ उसका भी कराना होगा तो ये होता है कभी नहीं हम भी देखते ना भाई अगर धर्म पालू मुझे अगर 25,000 कमा के दे दे भैया मैं उसके पीछे पूछता रहूँ संस्था बोलती खुद हम खुद बोलते हैं संस्था की तरफ से कि भैया वो डेवलपमेंट के लिए फंड रखे हैं जो स्टेट से हमको नहीं आ रहा है हम उस स्टेट के डेवलपमेंट का फंड रखे हैं तो प्रोग्राम तो होते ही प्रोग्राम करेंगे 4 लोग 5 लोग नहीं होता प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम में कलेक्टर आना चाहिए हमारे प्रोग्राम में SP आना चाहिए नहीं कलेक्टर SP आता है संजय लोग आने चाहिए पत्रकार लोग आने चाहिए विचारवंत आने चाहिए अच्छी चीज़ों को परोसने वाले लोग आने चाहिए तो अगर इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है तो उस कॉस्ट को 2.5-3 लाख रुपये तो संगठन को खुशी खुशी देने को तैयार है वो तो संगठन के टीम के लोग आएंगे यहाँ जैसे कि ये हॉल है उनको तो अलग अलग लगता है नहीं हमको ऐसा होना चाहिए हमको ऐसा होना चाहिए उनको ये चाहिए हमको चाहिए करवाते खुद आपको प्रोग्राम अच्छा लगा नहीं आपको भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पूरे ट्रेन टीम आती है अभी मैं गोवा में जाकर मैंने खुद प्रोग्राम किया मैं खुद ही अरेंज करता हूँ हर चीज़ बाकी जगह पर क्या होता है कि लोगों को टीम बनती है बोलते ना 1 man army मैं एक चम्मच की सब्जी होती है ना वो कभी ख़राब नहीं होती चार 10 चम्मच मेरे तो सब्जी खराब हो जाती है इसीलिए संगठन को मैं अकेला चलाता हूँ मैं इसका ट्रस्टी हूँ फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ लोग क्या करते हैं कुछ ना कुछ कर लेते हैं और लेटर देने के बाद में कुछ कांड होने के बाद में रिजाइन दे देते हैं और जो रिजाइन देता है वो समझ में आता है भैया कुछ ना कुछ करने वाला है 5 दिन के अंदर में फिर पुलिस स्टेशन से या कोर्ट से लेटर जाता है और वाशिंग होता तो होता है सब समझ में आती है कुछ पीछे वकील लगा उसके पीछे लगा ये मैंने उसके पीछे कर दिया कहाँ कहाँ है इसीलिए अच्छे लोग अच्छे विचारों के लोग जरूरत है जिनका भी अगर आपको ऐसा लगता है डाउट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है जब SP साहब को एक लेटर देते हैं मेरे को ये अनुभव आदमी हमारे संस्था का मेहनत करना चाहता है कितने लोग एक नहीं कितने लोग 40 लोग 20 लोग 30 लोग उनका
ऑफिस वेरिफिकेशन हमको दिया जाए, कल को मतदाता प्रमाण पत्र उसको जो भी चाहते हैं हम बदल सकते हैं। वो आ गया हमारे पास, नहीं देखो हमको क्या मालूम उसके माता पिता का कैसा है, लोग आई डी कार्ड दिखाते हैं तो नहीं पुलिस वालों तक का नहीं छोड़ा, इसलिए कहीं नहीं जगह बिल्कुल। मानवाधिकारों का कार्ड का मतलब क्या है कि आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, आप एक फाइटर हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सेव कर रहे हो, आप लोगों के राइट्स को और लोगों के अधिकारों को रेस्क्यू कर रहे हो, आप पीड़ित मानव की सेवा करने के लिए आए हो। अगर कभी कभार बोलते ना तालाब पर रक्षा करने वाला कब तक पैसा रहेगा, कभी ना कभी तो पानी पिएगा, वो नहीं करते। दूसरा बोलता है जाने तेरे पास कार्ड है जा, वो अधिकारी के पास जा तो देखो पैसा देगा, उसको पीछे एक लेटर लिख लें आईडिया डाल दें तो दे देगा। ऐसा नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि ऐसा गलत मत करो। अगर आपको पैसे की जरूरत है उसी अगर आप ऐसा करते हो तो गलत है। अगर आपको कोई प्रकार का मदद चाहिए तो संगठन आपको करने को तैयार है, आप मुझे बोलो मैं देने को तैयार हूँ, अगर आपको काम देना चाहिए तो सब चीज़ होगी। तो रोजगार के लिए रिजल्ट आपको आपके पास नौकरी नहीं है तो काम चाहिए, भारत की हर जगह पर हमारा कैडर काम कर रहा है, हम कहीं ना कहीं आपको काम देते हैं। गोवा में 2000 में भाड़े से आपको चला पार्टनरशिप करते 50-50% मेरे पास में सेंट्रल सिक्योरिटीज का लाइसेंस गन मैन बहुत संभाली बैठ से और हायर करके लाते हैं। अब हमने खुद का स्टार्ट कर दिया, आप भी स्टार्ट कर देते हम पार्टनर बन जाओ बिल्कुल। हमारे पास एम्बुलेंस है वो चला रहे थे, एक गाड़ी के ऊपर अच्छा इनकम आता है बराबर। आपके आपके अच्छे इवेंट मैनेजमेंट का काम है, अच्छी टीम है आपके पास, तो ये टीम लेके आप नागपुर गोवा राजस्थान झारखंड अच्छे अच्छी जगह लोग कैंपिंग कर सकते हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े से बड़े इवेंट्स कर सकते हैं, बड़े बड़े लाइविश होटल में अंदर सेमिनार्स आयोजित कर सकते हो। लोगों क्या मिला अवार्ड, उसको क्या चाहिए अवार्ड, अवार्ड के लिए कहा जा रहा है घूमना भी चाहिए, घूमना भी होगा, मेंबरशिप भी चाहिए, मेंबरशिप भी होगी, वो एक एक जगह हर चीज़ आ गई ना आपकी, और आपको भी डेलिंग आ गई, आपका भी काम बढ़ गया, आपका भी मेंटेलिटी ये हो गया, सब हो सकता है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उनका लड़का भी अगर बाहर गाँव जाना हुआ तो उनका लड़का उधर बाहर गाँव जाना है वो भी छुट्टा
होता है ऐसा, अलग अलग लोगों के फेसबुक पर हम देखते हैं अलग अलग वेरिटीज के लोग मिलते हैं, क्या पसंद करता है वो, क्या क्या क्लिक करता है, क्या रिच करता है, हम एक ही दिन सब वहाँ से बैठ के एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ नहीं होता। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, लोकसभा का लड़ा 2019 में, 2014 में विधानसभा का, लोग देख रहे थे हंसने लगे क्या ऐसा आदमी लड़ता है, क्या करेगा, करके दिखाया, लड़ना बड़ी बात है, लड़ने के लिए कोई प्रेफर कर सकता हूँ, लड़के हारना, हारना जीतना तो जिंदगी का दस्तूर है, हम तो जीते कि नहीं जीते वो अलग है। जब मैं 35 साल उम्र था तब मैंने विधानसभा लड़ा, तब मैं 2014, जब मेरे साथ उम्र 40 साल हो गई तब मैंने 2019 का लोकसभा इलेक्शन लड़ा, अब मैं 45 का हो जाऊँगा 2024 में, मैं वही इलेक्शन लड़ूंगा। जो लोग लड़ते सारे उनके पाँच पाँच साल बुढ़े हो रहे बचते मुझे पता नहीं है, तो पार्टी नहीं है मेरे पास, मैं इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ, अपनी केंद्रीय मानवाधिकार पार्टी पेपर रजिस्टर करने के लिए आता है जनवरी में, वो नजर आएगा जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको पर लड़ेगा, वो इसलिए गली से लेके दिल्ली से लेके हर जगह इलेक्शन लड़ना चाहिए। हम लोग एक बार पंडित के पास जाते, पुजारी के पास जाते, या नीतीश के पास जाते, उनके साथ क्या होने वाला है, बताइए लगीना लगा ले, ये हीरा पहन ले, ये मोती पहन ले, ये कर ले, वो डाकू कर ले, ठीक है ना, हवन कर ले, सब हो जाएगा, हमारे तरफ से अगर निकलना कुछ जैसे 24 पैसे अगर हम इलेक्शन में लगा लिए तो हम जिसके सामने में रहते पड़ोसियाँ हमारे पूछता है, हम उसको देखते हैं, हम ब्रश करते करते फूटते उसको हम देखते सुधारने देते हैं, हमारे उसके लिए समझ में आता वोट के लिए हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारा भाई, हमारे दोस्त जिनको मस्त घर पर पार्टी को खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, मटन खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं, पैसे देते हैं, वो कितने ऑनेस्ट है उसको समझ में आता है। जब पार्टी का दिन होता है तो 2000-3000 वोट पार्टी से समझ आती है, हमारे वोटा के लिए ये सबसे बड़ा भविष्य है, तो हमें लड़ना चाहिए कोई भी इलेक्शन में, और आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हम हैं, हमारे पास वाहन है, टीम है, मैडम है, आशीन जी हम लोग हैं, बच्चे बनाने वाले लोग हैं, हर चीज़ हमारे पास, हर चीज़ है, तो हम भी चाहते हैं कि संसद जाए, हम भी चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट जाए, लोकसभा जाए, विधानसभा जाए, जाएंगे तो कुछ चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट कर पाएंगे, हर समाज में जाए, उधर करें, न्यायपालिका में जाने का हमारा हक है, हमारा अधिकार है। लोग बोलते हैं कि भाई आपको पार्टी बना के जाना, तो पार्टी बनने में क्या दिक्कत आती है, ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां बनी, संस्था पहले बनते बाकी पार्टियां बनी, संस्था बना के पार्टी बनाए, हमारे पास तो ऑलरेडी मटेरियल पड़ा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, आज हमारे पास दूसरे दूसरे लोग हैं कि वो आज भी खड़े होने के तैयार तैयार में है, बस कुछ बाकी है, जनवरी के बाद वही हम काम करेंगे और हम संगठन को अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं उतने ही रहें या उससे ही बढ़े, क्योंकि बाहर जगह क्या किया हमने कि ब्रेक कर दे हुआ नया नंबर लगा उधर बन गया, क्योंकि ज़्यादा हो गया ना वहाँ पे, ज़्यादा मिस यूज़ हो गया उसको ब्रेक कर दिया हुआ, तो अगर मिस यूज़ होता है चलो छोड़ो, मगर हमारी टीम बढ़नी चाहिए, क्वालिटी नहीं, अगर हमने बोल दिया कि 1,00,000 लोग जोड़ना है 1,00,000 कल ही मिल जाएंगे, मगर क्वालिटी आएगी तो क्वान्टिटी आएगी, क्वालिटी के लोगों को अपने जोड़ना है, हमारे में जो रंजिश है, हमारे में जो एक ब्रेक में जो बोलते हैं उसको मिसकम्युनिकेशन है, एक मिनट के बारे में जो सोचने की समझने की जो चीज़ें जो है ना मिसमैनेज हो रही है उसको सुधारना है, और चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी टीम बने, चंडीगढ़ प्रोग्राम को अम्बाला में एक बड़े प्रोग्राम करें, नागपुर से भी हम अच्छा खासी टीम यहाँ लेकर आए, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और मैं चाहता हूँ भैया हरियाणा के लोगों को अम्बाला के लोगों को अम्बाला में सम्मान करो, अम्बाला में चंडीगढ़ के आदमी का सम्मान करो, अम्बाला का एक भी आदमी का सम्मान मत करो, बस जो फंडिंग बॉडी में भैया उनका करो कोई दिक्कत नहीं, जैसा हमको गोवा में, गोवा में सिर्फ 2 आदमी का सम्मान किया बस बाकी सब बाहर, अभी चेन्नई में प्रोग्राम है, चेन्नई का एक भी आदमी सिर्फ 2 आदमी का सम्मान होगा, 2 आदमी का अवार्ड सम्मान नहीं, अवार्ड एक ट्रॉफी दो, सर्टिफिकेट दो, उससे क्या उसका मनोबल होता है, हम जो काम करते ना काम करते कार्य करते उसकी रिसिप्ट है, कोई सामान लेके जाते तो चिट्ठी लिखते ना भैया एक भी सामान दिए नहीं ले लिए रिसिप्ट है, वैसे समाज में काम करने की रिसिप्ट क्या है कि आपका अवार्ड मिला हुआ ट्रॉफी मिली हुई उस तरह की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, तो ये होना चाहिए, जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक लोगों को प्रेरणा भी नहीं मिलेगी, समय बहुत हो गया था, तो मैंने जो आपको बताया है मैं तो मराठी हूँ, हिंदी में बात करने की हमेशा कोशिश करता हूँ ताकि हिंदी लोग हमारे पास ज़्यादा है, ज़्यादा इंग्लिश में तो बात नहीं हो पाते बात करता हूँ, पेपर भी हमारे हिंदी में ही है, मैं आपसे तो अभी चाहता हूँ कि आप सब मुझे
अपने आर्टिकल्स दे, आपके बारे में लिखो, मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है, मैंने ऐसे ऐसे किया, मुझे ऐसे ऐसे सोचता, आपका एक फोटो के सामने आपका हर रोज एक ही का पहला आप अपने एक अच्छी रूम में बैठो, अपना वीडियो बनाओ, अपने चैनल पे बैठो, तो तब जाके आप अपने से ही शुरुआत करो। और कोई भी इंसान आपके पास आता है पीड़ित, पहले उससे लिखे आपका पेपर, आपको पेन रखो, ये अपना कुछ भी लिख, मैंने मुझे लिखना नहीं होता, आप लिखे दो, आप अपने हाथ में जो क्या उसमें लिखा तो थोड़ा सही था, ऐसे ही लोग हैं दूर लिखे तो अपने हाथ से लिखो, अपने हाथ से लिखते हो तो आप टाइप करा के ना बाहर से फिर उसका एक उसी का भी अपने पास रखो, रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट से होगा तो आप लेटर दे। अभी कभार क्या होता है कि हम चले जाते हैं, अगर हम जाते तो हमारा ड्रेसअप नहीं होता, हमारा प्रेजेंटेशन बराबर नहीं हो पाता, तो सपोर्ट नहीं करता कि है क्या संकट है, ये काट के तो कोई जाने ही नहीं है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो कोरोना का बजाने के चक्कर में बच जाता है, हो जाता चलता है, वो तो समझ समझ के काम कोई छोड़ता कोई नहीं छोड़ता है, तो अपना ड्रेसअप भी अच्छा होना चाहिए। ये तो क्या होता है कि हम ह्यूमन राइट्स का नाम लेके जा रहे हैं, हमारे पे प्रेजेंटेशन और पेशेंस नहीं है, अधिकारी भी ताड़ता है, चेहरा दिखता है, तो आप पहले बोला था जैसे कि मेरे पेपर भेजो, लेटर भेजो, उनसे बातचीत करो, वार्तालाप करो, तो आपका पैसा बनेगा। एक आधा प्रोग्राम लोगों को व्यस्त कर दूंगा, मोहल्ले में बस्ती में जो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम लेना, 40-50 प्रोग्राम ले सकते हैं, एक आधा बैंक के मैनेजर को बुला, लेडीज को बेहतर ट्रिप का प्रोग्राम आयोजित करो, अपने सेकेंडर की तरफ से उनको अवार्ड दो, सर्टिफिकेट दो, मोमेंटोस दो, देना चाहिए। और इसके लिए भी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप जब मेंबर हो तो आप कर सकते हो, बस एक परमिशन, सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, हमने ऐसा ऐसा किया, भेजो ना, करना चाहते हो वो भी समझ में आ गया, और किया किया वो भी समझ में आ गया, है ना। और आपको भी हम पूछते हैं तो सब देखेंगे, तो बोलेंगे मैडम ऐसा करो, सर ऐसा करो, ऐसा करके आपको टिप्स भी देंगे। अगर कोई इंसान को तकलीफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन के मैटर्स हो रहे हैं, हम हॉस्पिटलाइज की मदद भी करते हैं, सभी के दी करते हैं, नई जनवरी से हम लोग GIC का इंश्योरेंस सबको को देने आते हैं। और आप सभी लोगों को महिला सर्टिफिकेट देके यहाँ पे सम्मान करने वाले हैं, क्योंकि मैं आया हूँ उधर से, उसको गोवा आने वाले थे, आए थे सर्टिफिकेट ला लेता, तो गोवा में प्रोग्राम हुआ तो गोवा गौरव पे ही डाले, क्योंकि लाइफ में वहाँ पर सबको दिए, भले आप गोवा नहीं आता तो सर्टिफिकेट आप लोगों को ला लेकर आया हूँ। आप सभी लोगों को कुछ स्टेशनरी चाहिए होगी, जैसे कि आपके पास बैचेस लगे हुए हैं, वैसे बैचेस फोन भी आते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, पार्लियामेंट के लोग होते हैं, इस तरीके का उनका एक गोर होता है, और बाकी के ऑफिसर्स लोग होते हैं, और लाखों लोग इसके अंदर काम करते हैं। वही हर स्टेट में आपका हरियाणा है, हरियाणा में हरियाणा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, बराबर राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, वहाँ भी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय का जो रिटायर्ड जज या रनिंग जज होगा वो प्रेसिडेंट है। तो जो सरकारी यंत्रणा है फिर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हमारे जैसी संस्था है को रोकने के लिए, तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में केसेस को दर्ज कर सकते हैं, आपने पहले पहले मुलाकात की है, उनके भी काम कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काम कर सकते हो, कारागार प्रशासन के साथ काम कर सकते हो, पुलिस वीकर वाले पुलिस प्रशासन के साथ काम कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो। अगली बार हम मिलेंगे, अलग अलग सेशन के लिए मिलेंगे, और फिर मैं मैनुअल लेकर आपको समझा पाऊँगा। आज बस ऐसे ही छोटा मोटा आपको समझाना चाहिए, उस तरीके से समझाया हो, और अपेक्षा करता हूँ कि हरियाणा के किसी भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की कंपनी में आए, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, अच्छा काम करके आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि आप तक बड़े बड़े अधिकारियों का नाम जाए, तो अधिकारियों का आपका सम्मान करें, मैं तब मुझे भी अच्छा फील होगा कि हमारे हरियाणा के लोग अच्छा काम करें। अभी हमारा कुछ टीम लेडीज टीम हो रहा है कि हम राष्ट्रपति मोदी मैडम की मीटिंग में मिलना चाहते हैं, तो हमारा चल रहा है प्रोसेस, जैसे हमको वहाँ से परमिशन आएगी हर स्टेट के एक एक लेडीज को वहाँ पर काम देखे जाने वाले, और हम चाहते हैं कि हर स्टेट का एक पहनावा होता है,
जैसा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के कपड़े होते हैं, हरियाणा में हरियाणा का ड्रेसअप होगा, गोवा में गोवा का ड्रेसअप होगा, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग ड्रेसअप जो समाएंगे वहाँ और उनका उत्पादन करेंगे। और भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग स्टेज पर हम लोग सम्मानित करेंगे। जो जो व्यक्ति अवार्ड लेना चाहता है, सम्मान करना चाहता है, तो हम हमारे प्रोग्राम में आ सकता है, हो सकता है। और गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसा अवार्ड्स होते हैं, वो भी एचओ करना चाहता है, तो हम भी उनको मदद करते हैं और उनको एचओ करा के देते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों में शायद परिवर्तन होगा, इसमें भगवान से अपेक्षा करता हूँ। आपको अगले नए साल की बधाई देता हूँ और नए साल में आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ आए। मैं ऐसे ही आपके साथ पारस भर के काम करूँ और समाज का भी सुना हो, आपका भी सुना हो, इसमें अपेक्षा करता हूँ। और मैं एक बार आप सबको धन्यवाद देने के लिए कहता हूँ। उनके वजह से आज हम यहाँ पर बैठ पाए और एक छोटे से सभागार के अंदर में हमने एक छोटी छोटी चर्चाओं का विषय बना और आप सब लोगों ने एक छोटी छोटी चीज़ों का समझाया। मैं भगवानी को ही प्रणाम करता हूँ और सभी मेरी माता बहनों को मैं नए साल की एक बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे ढंग से संगठन के बारे में, संगठन की मजबूती के बारे में बताया। मैं ज़्यादा समय नहीं देता हूँ क्योंकि सभा का समय हो गया है, तो बहुत मजबूती से बताया। बाकी अगर घोंसले बुलंद हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं, घोंसले बुलंद हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं। तो इसी के साथ ही संगठन को उन्होंने कहा कि हम करते हुए बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन सब उसको सामना करें, कोई उनका मुश्किल तो ठीक है। तो इसके साथ ही तो आप अभी सर्टिफिकेट देंगे तो वही बना दी धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं अपनी तरफ से पूरे गवर्नमेंट द्वारा बैठक की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आप इतनी दूर से हमारे लिए आए क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, सुबह से बैठे हैं लोग 10 बजे से, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जल्दी जल्दी हम ये प्रोग्राम करें और नेक्स्ट टाइम हम आपको इस बात चाहते हैं कि इससे बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर करके ले जाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहला नाम है उमर सिंह राणा, उमेश सिंह राणा भी, और उसके बाद धर्मपाल शर्मा जी हैं, और उसके बाद नाम सिंह राठी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भेज के इसके पास आ जाए। धर्मपाल शर्मा, इसके बाद रमेश जैन जी तैयार हैं।